तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम की फिल्म ओ oh माय गॉड टू के शुरुआती शुरुआत दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में आप सभी को बताते चले दोस्तों की फिल्म को आज बॉक्स ऑफिस पे थर्ड संडे है और आज एक बार फिर से फिल्म के कलेक्शन में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है जहाँ थर्ड फ्राइडे को दोस्तों फिल्म के कलेक्शन रहते एक करोड़ सत्तर लाख तो वही सिक्सटीन थ्री डे दोस्तों फिल्म के कलेक्शन में एट्टी से भी ज्यादा की जंप देखने को मिली जो की दोस्तों अपने आप में रिकॉर्ड है की तीसरे हफ्ते में किसी फिल्म को इतना जंप मिला हो उसके अलावा दोस्तों आज 17 एक बार फिर से काफी अच्छी ग्रोथ एक बार फिर से देखने को मिल रही है वहीं दोस्तों बात की फिल्म के अब तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म ने अपने पहले दिन ओपनिंग ली थी दस करोड़ छब्बीस लाख रुपए तो फिल्म का जो वीकेंड कलेक्शन रहा था वो रहा था तैतालीस करोड़ ग्यारह लाख रुपए वही पहले हफ्ते में फिल्म का जो टोटल इंडिया नेट कलेक्शन था वो पचासी करोड़ पांच लाख रुपए का हो चुका था जबकि सेकंड वीक में फिल्म ने टोटल कलेक्शन किया था इकतालीस करोड़ सैतीस लाख रुपए का इसी के साथ फिल्म अपने शुरुआती दो हफ्तों में एक करोड़ बयालीस लाख रुपए कमा चुकी थी तो वही दोस्तों दो हफ्तों में फिल्म का जो ओवरसीज का कलेक्शन रहा था वो रहा था बत्तीस करोड़ रूपए और इसी के साथ फिल्म अपने शुरुआती दो हफ्तों में ही एक करोड़ रूपए का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हासिल कर चुकी थी उसके बाद नजर डाली जाए फिल्म के थर्ड वीक पे तो थर्ड वीक में दोस्तों फिफ्टीन डे यानी थर्ड फ्राइडे फिल्म ने कमाई की एक करोड़ सत्तर लाख रूपए सिक्सटीन डे फिल्म के कलेक्शन में एट्टी से भी ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली और फिल्म ने कमाई तीन करोड़ सात लाख रूपए उसके अलावा दोस्तों आज है फिल्म का सेवेंटी डे और आज एक बार फिर से फिल्म के कलेक्शन में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और ये फिल्म आज अपने सत्रहवे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पे तीन करोड़ बीस लाख रुपए की कमाई हासिल कर रही है इसी के साथ अब फिल्म का जो शुरुआती सत्रह दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन वो एक करोड़ चालीस लाख रूपए का हो चुका है जबकि फिल्म का जो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है वो हो चुका है एक करोड़ रूपए ओवरसीज मार्केट से फिल्म अपने शुरुआती सत्रह दिनों में लगभग चालीस करोड़ रूपए का कलेक्शन हासिल कर चुकी है और इसी के साथ फिल्म ओमा टू का जो शुरुआती सत्रह दिनों का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे ग्रॉस कलेक्शन है वो एक करोड़ रूपए का हो चुका है और फिल्म अब 200 करोड़ के आंकड़े से महज 2 करोड़ कमरा गई है ऐसे में दोस्तों कल ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे दो सौ करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी तो दोस्तों फिल्म गॉड oh आपको कैसी लगी थी साथ ही आपको क्या लगता है कि फिल्म गॉड oh टू का लाइफ टाइम नॉर्मल कलेक्शन कितना रहेगा हमें अपने प्रोडिक्शन कॉमेंट करके जरूर बता और बताओ गॉड टू से जो सारी अपडेट्स के लिए बने रही के साथ कर दी चैनल को सब्सक्राइब साथ ही में दिख रहा रहे बेलाइकन को भी दबा दी